किया गया था, जिसमें काफी सारे 17 पोर्टल हैं, जिसमें अलग अलग साइबर से साइबर सीनियर सिटीजन सहल गौरा सकती है, अन्य बहुत सारे पोर्टल हैं। आपको कोई भी समस्या अगर आती है तो आप लोग इस पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको उत्तराखंड पुलिस ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात उसमें एक पोर्टल खुलकर आएगा, गौरा शक्ति ऐप, जिसमें आपको गौरा शक्ति ऐप में सभी कोई भी महिला हो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। अगर किसी समय भी कोई समस्या या किसी भी तरह की आपके सामने आती है, चाहे वो पुरुषों से छेड़छाड़ हो, यौन उत्पीड़न हो, या कोई भी समस्या अगर आपके सामने आएगी, तो आप इसमें गौरा शक्ति ऐप में जा करके SOS के बटन को प्रेस करेंगे। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो आपके आपकी जो लोकेशन है वो संबंधित थाने को मिल जाएगी और आपकी कंप्लेंट भी वहाँ पर पहुँच जाएगी, जिससे आपके रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ही आपके पास संबंधित पुलिसकर्मी जो भी होगा उस थाने का, उसका नंबर आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो और अपनी कंप्लेंट वहाँ पर भी बता सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो SOS का बटन तो है ही, उसके माध्यम से भी आपकी कंप्लेंट वहाँ पर स्वतः ही पहुँच जाएगी। और इसमें आपकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाता है। बाकी हमारा जो इस मंथ से आत्मरक्षा के अभियान चल रहा है, जिसमें हमारी टीम गौरा शक्ति जो है इनको पुलिस लाइन देहरादून में वो 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था, जिससे आप सभी को पहले भी बहुत प्रोग्राम हुए हैं, अन्य स्कूलों में भी हुए हैं, जिन इन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया है, काफ़ी लोगों को इसका लाभ पहुँचाया है। आज आप सभी के सामने जो है ये महिला कांस्टेबल सुष्मिता रावत, महिला कांस्टेबल रितु और महिला कांस्टेबल शोभा, महिला कांस्टेबल मंजिता, महिला कांस्टेबल सचिवाला और महिला कांस्टेबल हेमा, ये आप सभी के सामने जो है आत्मरक्षा हेतु आपको कुछ टेक्निक्स सिखाएंगी। सेल्फ डिफेंस के बारे में हम आपको बताएंगे कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है। आपके पास जो रोजमर्रा की चीज होती है, सामान होता है जो आप डेली कैरी करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। ये महिलाओं के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी है। तो जैसे हम जूड़ा पिन, दुपट्टा, क्लेचर, इससे आप सेल्फ डिफेंस के लिए अपना हथियार बना सकते हो, पर हमें पता ही नहीं होता है कि ये भी यूज आ सकता है, ये भी हमारा हथियार बन सकता है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली डेमो देंगे आपके सामने। ट्यूशन जाते हैं, ठीक है। ट्यूशन अकेले जाते हैं या पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं? जो अकेले जाते हैं, आप जैसे कहीं अकेले जा रहे हैं, कोई रास्ते में अगर आपसे जैसे फोन छीनने की कोशिश करेगा, आपका बैग छीनने की कोशिश करेगा, आपको किडनैप करने की कोशिश करेगा, तो ये जो ये टेक्निक्स यहाँ पे हमारी टीम आपको सिखाएगी। भले ही मैं मानती हूँ आप लोग ये सोचते होंगे कि हम छोटे हैं, हम क्या कर पाएंगे उस टाइम पे, लेकिन होपलेस नहीं होना है उस टाइम पे, ठीक है। आपको ये कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाएंगे जिससे कि आप अपने लिए एक वो गैप बना सकते हैं, जिसमें आप इतना टाइम निकाल सकते हैं कि आप वहां से भाग सके, ठीक है। एक तो होपलेस नहीं होना है बिल्कुल भी, अपने लिए पूरा फाइट करना है, ठीक है। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको समझ आ रहा बेटा? आ रहा ना? हाँ, जैसे कोई छोटे बच्चे को ऐसे बोलते हैं लॉलीपॉप लोगे, चलो हमारे साथ, क्या बोलना चाहिए हमेशा? नहीं, जो आप जिनको आप नहीं पहचानते हो उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुछ खाने पीने का आइटम तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर इस बारे में कोई आपको कभी बोलता है तो उसकी शिकायत अपने पेरेंट्स को करनी चाहिए। ये नहीं कि आप पेरेंट्स को भी नहीं बताएंगे और डर जाएंगे, पेरेंट्स को बताना चाहिए ताकि पेरेंट्स आप लोगों के पास आएंगे और आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब सेल्फ डिफेंस का ये है कि आप लोग बिल्कुल आज ही एकदम परफेक्ट तो होंगे नहीं, लेकिन ये चीज़ आप अच्छे से देखना उस टाइम पे कौन सी चीज़ आपको क्लिक कर जाए जो आपको हेल्पफुल हो। उसलिए ये सारे आइटम्स, जैसे पेन आपके पास होता है ना, पेंसिल्स आपके पास होगी, आप लोग गर्ल्स हैं तो हेयर पिन्स होंगी, क्लचर्स होंगे, दुपट्टा होगा, स्कार्फ होगा। अब ये मैम लोग आपको सिखाएंगे कि वो छोटी छोटी चीजों का कैसे यूज कर सकते हो, जिससे कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सको, ठीक है। अच्छे से करना, फिर इसके बाद एक दो बच्चों से करवाएंगे हम लोग, ठीक है। तो
ये पेन है तो आपको सूझबूझ के साथ प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ आपको पेन का ये ढक्कन खोलना है, ठीक है, निकाल के ऐसे ढक्कन खोलना है, ये कर रहा है आपको सिर्फ यहाँ पे पेन मार देना है इसकी गर्दन पे, ठीक है, देखा सबने कहाँ पेन है, उसकी हाइट लंबी है आपकी छोटी है तो आप थोड़े स्ट्रॉन्ग ही होते हैं और फिर जल्दी से दर्द नहीं होता, आप पेन को घुमा के सीधा ये हिप्स पे मारना है, ये पसली जो होती है ना अगर यहाँ पर होगी यहाँ तक पहुंच ही जाओगे, ठीक है, यहाँ मारना है। दो पॉइंट्स कौन से हुए, आपने पहले उसको बातों में उलझाना है, ये नहीं कि आप बैलर हो उधर का काम नहीं इधर मार, आपने पहले उससे बात करनी है कि आपको क्या दिक्कत है, क्यों परेशान कर रहे हो, आपने बुक को ऐसे खोलना है, अगर ऐसे खोलोगे तो चला ही जाएगा, है ना, पहले हाथ में एक्शन करना है, उससे बात करनी है, बात करते करते आपको उसको ये बुक को ऐसे करना है दोनों हाथ को ये करके क्या ये महिलाएं पहन के जाती है, कोई यूं बाहर रहा है, कोई यूं पहन रहा है, एक संगोष भी ज्यादातर ऐसे ही पहना है सब देखा है, तो वही छेड़ने वाला छेड़छाड़ वाली बात यहाँ से छेड़ना है, तो आपने इसे कहीं टच करना है, ठीक है, हाथ मारोगे ज्यादा दर्द नहीं होगा, अगर हाथ भी मारोगे तो आपको पता नहीं कहाँ मारना है, ये नोज पे आपके पास दुपट्टा है आप इसे कर सकते हो, ठीक है, आपके पास दुपट्टा है आप यूं जाके अपनी पोजिशन बना के ये करके ये करके आपने ये करना है, ये दुपट्टा ऐसे भी पहन के रखते हैं, ये आपने ऐसे जाना उसको आमने सामने लेके आना है ये करके, ठीक है, ये तो आपने उसको बातों में उलझा के दुपट्टे को ऐसे कर देना है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से ग्रिप किया आपने, मतलब मैं मूवमेंट इसलिए आराम से कर रही हूँ कि आपको समझ आए, और ये आपको आपने ये कर देना है, ये ठीक है, ये फिर आप लॉक कर सकते हो क्योंकि इसकी आंखें बंद है नहीं दिख रहा, तो आप गिरा सकते हो, मेरे पास हाथ भी है पैर भी है, मुझे मुझे ये लग रहा है मेरे दर्द हो रहा है पर मेरा ध्यान सारा यही है, ठीक है, इसने ये पकड़ा ये आपने ये पोजीशन लेनी है, ये यहाँ से आपको ये करना ये, ठीक है, ये और नेक्स्ट दोनों हाथ से आप छुड़ा नहीं पाओगे लाइक इतना ही चीज पाएंगे क्योंकि आपके यहाँ दोनों हाथ का सपोर्ट था या सिंगल हैंड का था, ठीक है, आपको ये करना है कि आपके हाथ खाली है आपको रिप्स में मारना है, ये जो पसलियाँ होती है ना यहाँ पे ये ठीक है, अगर मैं इसके जोर से मारूं तो अपने आप छोड़ देगी, ठीक है, और दूसरा ये इसमें पकड़ लिया, ठीक है, आपके पास ये है हाथ, इसको भी आप अपना हथियार बना सकते हो, चिन पे मारना है आपको पहले, ठीक है, चिन पे मारोगे फिर उसके बाद नोज पे, और ये आपके पास है ही हाथ यहाँ से खींच दो ऐसे, वाह, ठीक है, पकड़ लिया मैंने, ये होना है पैर पकड़ के खींच लेना है, मान के भाग जाना है,
उसके नाम आप इतना कर सकते, अगर वो बाइक में भी है आप हाथ तो चला ही सकते हो, लात मारोगे तो बाइक गिरेगी नहीं, आप ये कर सकते हो ये, कहीं तो लगेगी है ना, वो इतने करीब आएगा आपके तो आप अपना हाथ मार सकते हो, वो चाहे बाइक में हो चाहे पैदल हो, ये उसके कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी। ये चाहे उन्हें कहीं भी लेके जा सकती है, आपको क्या करना है, ये हाथ आपका फ्री है, ये भी फ्री है, आपको ये टर्न होना है, ये और ये मुझे ग्रिप किया मेरी गर्दन, ठीक है आप ऐसे टर्न होंगे, ये करके आपको टर्न है ना, ये आपने बाल पकड़ने हैं, बाल पकड़ने के बाद इसके यहाँ पे पंच मारना है।